बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इफ साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/19, वेयर थीटा लाइज बिटवीन पाई बाई 2 एंड पाई, देन शो दैट साइन थीटा ओवर 1 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/30। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू दी हुई है और साथ ही साथ थीटा भी बताया हुआ है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। पाई बाई 2 से पाई से मुराद क्या है ये ज़रा देख लीजिएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ 0 से पाई बाई 2 तक एंगल। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ से पाई बाई 2 से पाई। ट्रिग्नोमेट्री के आपको ये आपके पास 1, 2, 3 और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो पाई बाई 2 से पाई के दरमियान का मतलब है कि एंगल जो है दैट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसका रोल आपको पता है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सारे एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं पॉजिटिव होती हैं। यहाँ आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल कौन सा होता है, कोसेकेंट, वो पॉजिटिव है। थर्ड में टैन कॉस पॉजिटिव है और फोर्थ में कॉस और सीकेंट ये पॉजिटिव है। लिहाजा ये समझना ज़रूरी था कि थीटा का मतलब क्या है, चूँकि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू में से पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू कब लेनी है वो जब तक हमें नहीं पता कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उस वक्त तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और किसकी नेगेटिव लेनी है। तो ये तो सारा मैकेनिज़्म सामने आ गया। अब मसला ये है कि ये इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से आपने ये साबित करना है। एक ही तरीका हो सकता है कि आप इसको सॉल्व करके साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करें और ये वाला एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड पर लिखें और आंसर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ जाए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटजी है जो कि इस किस्म के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं जो हमें दिया हुआ है, साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 3/19। इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 19 साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 3 × 1 + 2 कॉस स्क्वेयर थीटा। दिस विल बी 19 साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 3 + 6 कॉस स्क्वेयर थीटा। इसको हम बड़ी आसानी से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशो सेम कर लें, या तो साइन स्क्वेयर थीटा को कन्वर्ट कर लें किस में, कॉस में, या फिर इस कॉस को कन्वर्ट कर लें साइन में। अब साइन आपको फार्मूला याद है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 के बराबर है, यहाँ से कॉस स्क्वेयर थीटा बराबर आ जाएगा किसके, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा के। लिहाजा हम ये करते हैं, कॉस स्क्वेयर थीटा की जगह लगा देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। दिस विल बी 3 + 6 - 6 साइन स्क्वेयर थीटा। अब इसको इधर लें, ये बन जाएगा 19 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 6 साइन स्क्वेयर थीटा, और ये आपके पास क्या रह जाएगा इज इक्वल टू 9। ये बन गया 25 साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 9। यहाँ से साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू आ गई 9/25 और यहाँ से अगर आप स्क्वेयर रूट लेते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई है +-3/5। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ हमें मसला है कि क्या साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है कि दोनों लेनी है। इस मसले को रिजॉल्व करती है ये रिस्ट्रिक्शन। ये क्या रिस्ट्रिक्शन थी कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा आप यहाँ से नेगेटिव वैल्यू जो है वो नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे
और आगे आप बता देंगे, आप लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 और आगे आप बता देंगे चूँकि थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, पाई बाई टू से पाई तक का मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब ये तो आ गई साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की इस वैल्यू की मदद से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। दोबारा हम वही करते हैं, जो कॉस स्क्वेयर थीटा है वो किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा के। कॉस स्क्वेयर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, क्या निकाली है, 3 और 5 का स्क्वेयर करें, यह आ जाएगा 1 माइनस 9/25। इसका एलसीएम लें 25 माइनस 9 किसके बराबर आ जाएगा, 16/25। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, +-4/5। अब सिचुएशन सेम वही है कि यहाँ पे कॉस थीटा की दो वैल्यूज आ गई हैं, क्या दोनों ही लेनी है या दोनों में से एक लेनी है और कौन सी लेनी है। सिचुएशन फिर वही है, चूँकि थीटा सेकंड क्वार्टर में लाई करता है और जिसमें साइन तो पॉजिटिव था लेकिन कॉस नेगेटिव है, लिहाजा ये जो दो वैल्यूज आई हैं इनमें से आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे और आप लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू -4/5। रीज़न फिर वही लाइक बताएंगे आप कि थीटा लाइज बिटवीन 5/2 एंड π। ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यूज मालूम कर ली तो अब आप वो कंसिडर करें जो आपने मालूम करना था, जो प्रूव करना था, वो क्या था, साइन थीटा ओवर 1 माइनस 2 cos थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाली है 3/5। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 पुट कर दी 1 माइनस 2 और cos थीटा की वैल्यू निकाली है -4/5। बस अब इसे सॉल्व करते हैं, ये आती है 3/5 डिवाइडेड बाई 1+8/5। तो ये 3/5 तो वैसे ही रह गया, डिनोमिनेटर में अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 5 5+8 ये बना 3/5 डिवाइडेड बाई 13/5। ये 5 5 से कैंसिल हो गया और क्या आ गया, 3/13। तो क्या हमने यही प्रूव नहीं करना था, हमने यही प्रूव करना था साइन थीटा और 1 माइनस 2 cos थीटा 3/13 है। अगर आप क्विकली दोबारा इसको रिव्यू करें कि क्या किया है, ये आंसर दिया हुआ था, ये मालूम करना था, मैंने इसको इसकी मदद से क्या किया है, इसकी मदद से मैंने पहले साइन थीटा की या कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है, इसको सॉल्व करके साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है। जब वो साइन थीटा और कॉस साइन थीटा की वैल्यू निकल आई, उसकी मदद से फिर मैंने ये वाला फार्मूला लगा के कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के बाद मैंने उसमें पुट किया साइन थीटा ओवर 1 माइनस 2 cos थीटा, इसमें पुट किए हैं, साइन थीटा की वैल्यू भी पुट कर दी है, कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट कर दी है और उसको सिंप्लीफाई किया तो 3/13 आ गया। अब ये क्वेश्चन रिपीट किसी और तरह से भी आ सकता है, यहाँ वो वैल्यू चेंज कर दे तो फिर इसका भी आंसर चेंज होगा, यहाँ की वो वैल्यू चेंज करके इसको चेंज कर दे, वो कहे जी मैंने तो मालूम किया ना साइन थीटा और 1 माइनस 2 cos थीटा, वो कह दे साइन थीटा और 1+2 cos थीटा मालूम करें, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जवाब आएगा। जी ये मैं बता रहा था, उस वक्त आप सुन नहीं रहे थे क्योंकि आप उस वक्त कहीं और मसरूफ थे। साइन थीटा की दो वैल्यूज आई हैं प्लस माइनस, और थीटा सेकंड क्वार्टर में लाई कर रहा है, थीटा उसने कहा हुआ है पाई बाई टू से पाई है, पाई बाई टू और पाई के दरमियान थीटा जब सेकंड क्वार्टर में लाई करे तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है जबकि सेकंड क्वार्टर में कॉस नेगेटिव होता है, इसीलिए हमने कॉस की वैल्यू नेगेटिव ली है। तो अगर ये उसने ना दिया होता तो फिर हमारे लिए मसला होता। तो बेसिकली तो हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे थे, होपफुली आपको समझ आ गई होगी,
और बाकी उसकी सिंप्लीफिकेशन का भी पता चल गया होगा कैसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ टेन पाई बाई फोर माइनस अल्फा इज इक्वल टू 3 टेन पाई बाई फोर माइनस बीटा, देन शो दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। तो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये यहाँ से ही कुछ हमें मिलना है। और इस पर फार्मूला कौन सा लगना है, टेन अल्फा माइनस बीटा का लगना है फार्मूला। पहला एंगल यहाँ पे अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा। यहाँ पे पहला एंगल यानी ये वाला जो अल्फा है वो पाई बाई फोर होगा और अल्फा जो है बीटा होगा। यहाँ पे पाई बाई फोर जो है वो अल्फा होगा और दूसरा बीटा बीटा ही। तो सॉल्यूशन फिर किस तरह हमने करना है, टेन पाई बाई फोर माइनस अल्फा बराबर है किसके, इट इज़ गिवन 3 टेन पाई बाई फोर माइनस बीटा। तो जैसे मैंने भी बताया कि पहले आप फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, इसका कौन सा फार्मूला है, टेन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ये जहन में रहे कि ये पहला एंगल जो भी हो उसे अल्फा कह रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे अल्फा ही हो, और ये दूसरा एंगल जो भी हो वो उसे बीटा कह रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ बीटा हो। जैसा कि यहाँ पे दूसरा एंगल बीटा नहीं है, लेकिन जो बीटा के साथ हो रहा होगा फार्मूले में वही इसके साथ होगा, जो अल्फा के साथ हो रहा होगा वह इसके साथ होगा। अब ये बनेगा फिर क्या, ये बनेगा टेन पाई बाई फोर माइनस टेन अल्फा ओवर 1 प्लस टेन पाई बाई फोर टेन अल्फा और 3 इंटू टेन पाई बाई फोर माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन पाई बाई फोर टेन बीटा। ये तो मैंने वही जो ऊपर फार्मूला लिखा है टेन अल्फा माइनस बीटा वो फार्मूला ओपन किया है। अब टेन पाई बाई फोर की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस टेन अल्फा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा इज इक्वल टू 3 1 माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन बीटा। और बता ये दें कि चूँकि टेन पाई बाई फोर 1 के बराबर है इसलिए, ठीक है। अब इसको ज़रा साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, चूँकि आंसर साइन कॉस में है, यह आ जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3 1 माइनस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा शाबाश 1 प्लस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। अगर आप फार्मूले सही लगा के सिंप्लीफिकेशन के स्टेप सही करते जाएँ तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो हैं वो रिजल्ट्स आते जाते हैं जो प्रूव करने होते हैं। कहीं आप फार्मूला गलत लगा लेते हैं या कहीं आप कैलकुलेशन गलत कर लेते हैं, तब जाके वो रिज़ल्ट नहीं आता। अब अगला स्टेप सिर्फ यही बनता है कि आप ऊपर वाले का एलसीएम लें, एलसीएम आएगा कॉस अल्फा, इधर आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा आपके पास कॉस अल्फा, और ये आएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। इधर 3 मौजूद है, इसका भी अगर आप एलसीएम लेंगे न्यूमिरेटर का तो कॉस बीटा वो बन जाएगा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, और यहाँ भी कॉस बीटा और वो बन जाएगा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा। ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि कॉस बीटा से कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कॉस बीटा से कैंसिल हो जाएगा, और अब ये रह क्या जाएगा,
the cos alpha minus sin alpha over cos alpha plus sin alpha. यहाँ रह जाएगा 3 cos beta minus 3 sin beta divided by 3 cos beta plus sin beta. अब आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो फिर सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये चीज़ इसके साथ, तो क्या बनेगा अब आपके पास, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इन टू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू, ये मैं उठा के इधर ले आया हूँ, इसको उठा के उधर लेके जाना है. क्या है, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इन टू 3 cos beta minus 3 sin beta. अब ज़रा मल्टीप्लिकेशन कराएं, cos alpha into cos beta क्या बन जाएगा, cos alpha cos beta, फिर cos alpha into sin beta plus cos alpha sin beta. नहीं, मैंने भी इसी को कराया, cos को इसके साथ कराया, फिर cos को इसके साथ कराया. उसके बाद अब इसे कराते हैं माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. ठीक है, इसके बाद आप राइट हैंड साइड लें, कॉस अल्फा यह आ जाएगा 3 कॉस अल्फा कॉस बीटा, यानी इसको इसके साथ कराया, फिर माइनस 3 कॉस अल्फा साइन बीटा, इसको इसके साथ कराया, फिर क्या आना है, प्लस 3 साइन अल्फा कॉस बीटा, इसको इसके साथ कराया, और उसके बाद इसको इसके साथ कराएंगे तो माइनस 3 साइन अल्फा साइन बीटा. अब ज़रा अरेंज करते हैं. नेक्स्ट आप इसको और इसको कंबाइन करें तो क्या आएगा आपके पास, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. फिर आप इसको और इसको कंबाइन करें, इसको और इसको, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा. इसी तरह आप इसको और इसको कंबाइन करें, नहीं इसको और इसको नहीं, कॉस अल्फा इसको और इसको, ठीक है ना, ये आपके पास आ जाएगा 3 कॉस अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा साइन बीटा. ठीक हो गया, और इसको और इसको कंबाइन करें, माइनस 3 कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस 3 साइन अल्फा कॉस बीटा. अब ये जो इतना है ये बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला. ठीक है, लेकिन इसमें से अगर आप इसको रीअरेंज करें, नेगेटिव साइन कॉमन निकालें, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, पहले लिख लें, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा बाद में लिख लें. उधर भी इसी तरह ही करना पड़ेगा, ये 3 कॉमन निकाल के तो आपके पास रह जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, और इधर आपके पास जो है, यहाँ आप इसको तरतीब चेंज कर लें, 3 इंटू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, 3 कॉमन ले लिए. अब ये आपके पास क्या बना, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस, ये क्या बनता है,
साइन अल्फा माइनस बीटा, इधर क्या आता है थ्री कॉस अल्फा प्लस बीटा, और ये फिर क्या बनता है प्लस थ्री साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूले सही नहीं बने? ये अब इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ये होता है। अब ज़रा गौर करें कि वो ये जाएगा ये थ्री कॉस अल्फा प्लस बीटा, और ये उधर जाके क्या बन जाएगा, इसको इसको सारे को उधर ले देंगे ज़ीरो कर लें इधर, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा और ये थ्री कॉस क्या बन जाएगा उधर जाके, यानी इसको हम लिखते हैं थ्री कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस थ्री साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, और ये उधर आके क्या हो जाएगा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये थ्री कॉस अल्फा प्लस बीटा और ये माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा टू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये थ्री और ये क्या बन जाएगा फोर साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। कोई एक नेगेटिव भी आना है कि नहीं आना? चलें, अब बेसिकली हम काफ़ी करीब आ चुके हैं उसके माइनस टू, तो इसको उठा के उधर ले जाएं, टू कॉमन निकल सकते हैं, टू कॉमन निकल गया, बाकी क्या रह गया कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस टू साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अगले स्टेप में आप ये करें कि कॉस अल्फा प्लस बीटा वो उधर जाके माइनस टू साइन अल्फा माइनस बीटा, और अब आपका आंसर आ गया जो आपने लेके आना था कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस टू। चलें आज हम यही वाइंड अप करते हैं, थैंक यू।